हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द एफिशिएंट इंजीनियर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ फिर एक नए टॉपिक पर बात करने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम। आप लोगों ने अपने प्लांट्स में देखा होगा कि बॉयलर का जो ड्रम लेवल है और बॉयलर में ड्रम लेवल मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो उसके लेवल को कंट्रोल करने के कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम, तो आप लोगों ने अपने प्लांट्स में देखा ही होगा बॉयलर का ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम। बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट और थ्री एलिमेंट। अब पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट और थ्री एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट का पहले मैं मतलब बताता हूं। सिंगल एलिमेंट में हमें जो है सिंगल इनपुट पर ड्रम लेवल कंट्रोल होता है। टू एलिमेंट में टू इनपुट मिलते हैं उस पर कंट्रोल होता है। थ्री एलिमेंट में थ्री इनपुट मिलते हैं उस पर लेवल कंट्रोल होता है। तो हम इन तीनों पर ही थोड़ा थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट और थ्री एलिमेंट क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सिंगल एलिमेंट पर। तो यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। ये डायग्राम में फ्रेंड्स, ये है एक स्टीम ड्रम, ये है इसका लेवल गेज, ये एक सिंगल एलिमेंट मॉड्यूल है और ये इसका कंट्रोल वाल्व है, वाटर फीड वाटर कंट्रोल वाल्व। फ्रेंड्स, सिंगल एलिमेंट में होता क्या है ड्रम लेवल, तो फ्रेंड्स होता क्या है, स्टीम ड्रम में जितना भी परसेंट पानी होता है उसकी कमांड एक सिंगल एलिमेंट मॉड्यूल होता है इंस्ट्रूमेंट का, वहां जाती है और वह सिंगल मॉड्यूल एलिमेंट जो है कंट्रोल वाल्व को कमांड देता है कि हमारे स्टीम ड्रम का लेवल इतना मेंटेन करना है। तो यह सिर्फ लेवल पर काम करता है, इधर से लेवल के कमांड आएगी सिंगल एलिमेंट मॉड्यूल पर और यह कंट्रोल वाल्व को कमांड देगा और इस सिंगल एलिमेंट में हमारा सिर्फ ड्रम लेवल के फ्लक्चुएशन पर ही यह कंट्रोल वाल्व काम करता है। और यह सिंगल एलिमेंट है, यानी सिर्फ एक ही इनपुट, एनालॉग इनपुट हमें मिलता है, वो भी सिर्फ ड्रम लेवल का, तो इसलिए हम इसे सिंगल एलिमेंट बोलते हैं। आप पिक्चर में बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, लेवल का कमांड मिलेगी सिंगल एलिमेंट मॉड्यूल पर और सिंगल एलिमेंट मॉड्यूल कमांड देगा कंट्रोल वाल्व को, कंट्रोल वाल्व उसके हिसाब से ही ओपन और क्लोज होगा कि हमें ड्रम लेवल कितना मेंटेन करना है। हम जितनी ही इसमें सेट पॉइंट डाल देंगे, अगर हमने 50% सेट पॉइंट डाल दिया है तो लेवल जैसे ही डाउन होगा तो सिंगल एलिमेंट मॉड्यूल कंट्रोल वाल्व को कमांड देगा कि ड्रम लेवल डाउन हो रहा है, तो कंट्रोल वाल्व हमारा ओपन होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ड्रम लेवल 50% से अप जाने लगेगा यह इसे कमांड देगा कि ड्रम लेवल अप हो रहा है, तो ये बंद होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंगल एलिमेंट मेथड ड्रम लेवल कंट्रोल का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टू एलिमेंट ड्रम लेवल पर। तो फ्रेंड्स, टू एलिमेंट में होता क्या है, टू एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह ही होता है, बट इसमें क्योंकि टू एलिमेंट है यानी इनपुट दो मिलेंगे हमें, तो पहला इनपुट तो फर्स्ट एलिमेंट की तरह ड्रम लेवल से ही मिलता है, सेकंड इनपुट मिलता है हमारा स्टीम फ्लो से। होता क्या है फ्रेंड्स, ड्रम लेवल से एक इनपुट हमें टू एलिमेंट मॉड्यूल पर गया और सेकंड इनपुट हमारा स्टीम फ्लो, जो हमारा स्टीम फ्लो हमारा मीटर लगा है वहां से गया और ये टू एलिमेंट सिस्टम इन दोनों को कैलकुलेट करके, इन दोनों का एवरेज निकाल के कंट्रोल वाल्व को कमांड देता है और कंट्रोल वाल्व इन दो इनपुट्स के आधार पर काम करता है कि ड्रम लेवल कितना मेंटेन करना है।
ठीक है फ्रेंड। तो इसमें होता क्या है, ड्रम लेवल का अगर हमने सेट पॉइंट डाला 50%, तो फ्रेंड्स आपको पता है स्टीम फ्लो जितना बॉलर से जाता रहेगा उतना ही पानी रिक्वायर्ड है, तो स्टीम फ्लो को वो कैलकुलेट करता है और इधर से लेवल को कैलकुलेट करता है और दिए गए फैक्टर पर काम करके कंट्रोल वाल्व को कमांड देता है कि हमें ड्रम लेवल कितना मेंटेन करना है। तो टू लेवल सिस्टम बेसिकली सिंगल ड्रम टाइप के बॉलरों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और डबल टाइप के डबल ड्रम बॉलरों में इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका सिस्टम का यूज़ वहीं पर करते हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रेशर से हमारा वाटर फ्लो बॉलर के अंदर इनलेट हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री में बहुत कम यूज होता है, बट सिंगल ड्रम टाइप के बॉलरों में इसका काफ़ी यूज है। तो फ्रेंड आप समझ ही गए होंगे टू एलिमेंट मॉड्यूल में क्या होता है, टू इनपुट हमें मिलते हैं, एक लेवल से मिलता है स्टीम ड्रम के, दूसरा स्टीम फ्लो से मिलता है, और जो टू एलिमेंट मॉड्यूल होता है इंस्ट्रूमेंटेशन वो इसे दिए गए फैक्टर पर काम करके कंट्रोल वाल्व को कमांड देता है, और कंट्रोल वाल्व उसके हिसाब से अप एंड डाउन करके वाटर फ्लो को कंट्रोल करके ड्रम लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं थ्री एलिमेंट। तो फ्रेंड्स थर्ड है हमारा थ्री एलिमेंट सिस्टम। फ्रेंड इंडस्ट्री में थ्री एलिमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम है। इसका रीजन क्या है सबसे ज़्यादा यूज होने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली फ्रेंड थ्री एलिमेंट सिस्टम जो है लोड के फ्लक्चुएशन में भी ड्रम लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। इसलिए ड्रम लोड का फ्लक्चुएशन हो, सडन लोड कुछ भी हो, तो ड्रम लेवल थ्री एलिमेंट जो है बहुत अच्छे से इस ड्रम लेवल को मेंटेन करता है। इसलिए मैक्सिमम लोग थ्री एलिमेंट सिस्टम का ही यूज करते हैं ड्रम लेवल कंट्रोल में। तो अब हम थोड़ा सा ड्रम लेवल कंट्रोल काम कैसे करता है अब हम उस सिस्टम पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि नाम है थ्री एलिमेंट, तो इसमें थ्री इनपुट हमें मिलेंगे। तो जैसा कि टू एलिमेंट में हमने देखा था हमें दो इनपुट मिल रहे थे, एक लेवल से और एक स्टीम फ्लो से, तो इसमें एक थर्ड एक ऐड और हो जाता है, वह होता है फीड वाटर कंट्रोल। अब इसमें हमारे थ्री इनपुट हुए, तो लेवल फर्स्ट लेवल, सेकंड फीड वाटर फ्लो, और थर्ड हमारा स्टीम फ्लो। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ड्रम लेवल से कमांड आएगी कितना लेवल है, स्टीम फ्लो की तरफ से कमांड आएगी कि कितना स्टीम फ्लो है, और वाटर फ्लो की तरफ से कमांड आएगी कि कितना वाटर फ्लो है। फ्रेंड्स थ्री एलिमेंट में आपको दिख रहा होगा थ्री हमें इनपुट कमांड मिलती है, एक मिलती है ड्रम लेवल, स्टीम फ्लो, और थर्ड फीड वाटर फ्लो। तो इस सिस्टम में होता क्या है, स्टीम ड्रम से कमांड जाएगी कि ड्रम में इतना लेवल है, फीड वाटर फ्लो की कमांड जाएगी कि सपोज करिए मेरा 50% स्टीम ड्रम का लेवल है और मेरा स्टीम फ्लो 40 TPH है, और इधर मेरा फीड वाटर फ्लो 30 TPH है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हमने 50% जो है सेट पॉइंट डाला है थ्री एलिमेंट सिस्टम में, तो होगा क्या, ये सेंसर सेंस करेगा कि फीड वाटर फ्लो 40 TPH है, स्टीम वाटर फ्लो 30 TPH है, और अभी ड्रम लेवल 50% है, तो ये सेंस करेगा कि वाटर फ्लो कम जा रहा है। तो ये एवरेज को कैलकुलेट करके एक दिए गए फैक्टर पर काम करके फीड वाटर फ्लो को बढ़ाएगा, जबकि ड्रम लेवल 50% है, बट ये सेंस करेगा कि अभी मेरा ड्रम लेवल जो फीड वाटर फ्लो है 30 टन है, यानी ड्रम लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल कैलकुलेट करके दिए गए फैक्टर पर फीड वाटर फ्लो को थोड़ा इंक्रीज कर देगा, जिससे कि ड्रम लेवल मेंटेन रहेगा। तो इसलिए यह सिस्टम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये थ्री इनपुट पर काम करता है, और ड्रम लेवल कंट्रोल में यह सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही गए होंगे कि बॉयलर ड्रम लेवल कंट्रोल के जो है तीनों एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।